तो प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान और जीके के अंतर्गत रुपया किस किस देश की मुद्रा है, यानी रुपया शब्द, रुपया जो मनी है वो किस किस देश में रुपया के नाम से चलता है, आज इसको हम पढ़ेंगे। और ये हमारा जो लेखक मंडल बैठा हुआ है, माही दीदी हैं, आराध्या जी हैं, शिवम सर हैं और पीहू मैडम हैं, अंश जी हैं, विकास सर हैं, ये सब बना रहे हैं, चैनल को चला रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, रफ लिख रहे हैं। देखिए, हमारा लेखक मंडल ने तैयार किया एक ट्रिक, एक युक्ति, एक सेंटेंस किया कि उस सेंटेंस के हम लोग पढ़ लेंगे तो ये जान लेंगे कि रुपया किस किस देश की मुद्रा है। तो ट्रिक दिया गया है, ट्रिक कि भारत से मामा श्री ने पाई रुपया लिखा है। ये एक ट्रिक है, एक हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आप जीवन में ये कभी नहीं भूलोगे कि रुपया किस किस देश की मुद्रा है। दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार समझ लो, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। तो भारत से, भारत देश में रुपया चलता है। से सेल्सियस देश, सेल्सियस देश में रुपया चलता है। मामा में दो माँ, तो पहले माँ का से मॉरिशस देश में रुपया चलता है। फिर दूसरा है माँ, तो हो जाएगा मालदीव, भारत सेल्सियस मालदीव मॉरिशस। फिर श्री से हो जाएगा श्रीलंका, अन्य से हो जाएगा नेपाल, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, और ई से हो जाएगा इंडोनेशिया, और रुपया शब्द आपका ये रहेगा साइलेंट। तो इस प्रकार से भारत से मामा श्री ने पाई रुपया, इस सेंटेंस को याद कर लोगे। और जिन जिन देशों में, अगर आप चाहें तो देश शब्द को भी आप जो है डॉट डॉट करके प्रतीक में जोड़ सकते हैं। ये भारत देश, सेल्सियस देश, मालदीव देश, मॉरिशस देश, श्रीलंका देश, नेपाल देश, पाकिस्तान देश, इंडोनेशिया देश। तो भैया, ये 8 ऐसे देश हैं जहां पर रुपया चलता है, बाकी किसी में डॉलर, किसी में दिनार, किसी में रियाल, अलग अलग देश, अलग अलग मुद्रा का नाम। लेकिन ये 8 ऐसे देश हैं जहां पर मुद्रा का नाम रुपया के नाम से संकेत किया जाता है, रुपया के नाम से लिया जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसलिए आप सभी से कहना है कि हमारे एसवी कोचिंग क्लासेस को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी विषयों के वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहें। ईश्वर आप सभी का मन पढ़ने लिखने में लगाए और बुरी आदतों से बचाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एमपी सर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।